एटिकेट स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और बूटस्ट्रैप की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं क्राउजल के बारे में। किसके बारे में? क्राउजल के बारे में। सबसे पहले अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं। ए4 पीएम नाम का एक फोल्डर है हमारा, ओपन कर लिया। ठीक ओपन हो गया। तो क्या पढ़ना है आज हमें? क्राउजल के बारे में। जो ये कंटेनर वगैरह बनाए हैं आप ना, इसको क्या कर लेंगे? अच्छा तो भी बनाया है, ठीक है। लिखा है एकदम, ठीक है। इसको क्या कर दिया हमने? ठीक है, रीड करने के बाद से आप आ जाइए। क्राउजल स्पेलिंग, स्पेलिंग लिख लेंगे CRAUZL CRAUZL। ठीक रहेगा। क्या करेंगे? चलिए ब्राउजर ओपन कर लीजिए और एडिशनल ब्राउजर एक खोल के आप उसके ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। इसके बूटस्ट्रैप, ठीक है। यहाँ जाने के बाद से इसका वर्जन सेलेक्ट करेंगे। कौन सा वर्जन है इसका? v5.0. याद है ना? वर्जन में जाने के बाद कहाँ जाना है? आज हमें जाना है कंपोनेंट के भीतर। किसके भीतर? कंपोनेंट, और उसी में मिलेगा आपका नए बार भी उसी में मिला था, और उसी में क्राउजन मिल जाएगा CRAUZL। ब्राउजिंग करता क्या है? जैसे नहीं होता है, स्लाइड करता है, इमेज को स्लाइड करता है। एक दो तीन नहीं होता है, दो तीन इमेज ऐसे बदलती रहती हैं। साइट पे देखते हैं ना, साइट ओपन करते हैं, GIT इधर हो जाए। जैसे कि अपना ही देख लीजिए, यहाँ पे खोल ले रहा हूँ GIT पढ़ो ना, और खोल दीजिए GIT पढ़ रहा हूँ। जैसे यही देख लीजिए, हाँ एक्सचेंज करें या यू ही करिए। देखो अच्छा ना, अपने आप बदल जाएगा, ये देख रहा हो, देख रहा हूँ ना। तो वही कैसे करेंगे हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्राउजिंग में आ गए। ब्राउजिंग में आने के बाद से पहला ही ऑप्शन इसमें है क्या? फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं ना, स्लाइड में बस यही करेंगे। तो कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ लाके क्या करेंगे? पेस्ट कर, पेस्ट हो गया ना। पेस्ट करने के बाद से अभी तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इमेज SRC पे देखिए डॉट 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 लिखा है। ठीक है, और यहाँ जो डॉट डॉट है उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इमेज चलिए। तो इमेज कहाँ से पाएंगे आप? यहीं पे आ जाइएगा, GIT वाले पे आ जाइएगा, और यहीं पर राइट क्लिक करके क्या करिएगा? सेव एज इमेज कर लीजिएगा। अच्छा, इमेज सिर्फ सेव नहीं करना है, उस इमेज को रिसाइज करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? रिसाइज। जैसे जो भी इमेज है, हमारी इमेज है SPC डी ड्राइव के भीतर, और 4 PM ना, और 4 PM, और इसमें जो इमेज में जो इमेज जो भी रखे हैं, ये वाली ये इमेज 4 5, इसके देखिए साइज क्या रहेगी, देखिएगा। ओपन विथ पेंट कर लीजिएगा। इसकी जो साइज रहेगी, उसकी जो विड्थ रहेगी, चौड़ाई रहेगी, वो 1140 रहेगी, और हाइट रहेगी 450 के करीब। ओपन विथ पेंट देख लीजिए, यही साइज रखना है, नोट कर लीजिएगा। साइज पे आइए, पिक्सल में आएगी। देखिए देखिएगा, हॉरिजेंटल साइज यानी कि विड्थ चाहिए 1140, और वर्टिकल यानी हाइट चाहिए उसका 450। नोट कर लीजिए, यही इमेज की साइज होनी चाहिए। चलिए इमेज डिसाइड कर लीजिए, कम से कम तीन तीन इमेज तैयार कर लीजिए। कितने इमेज? तीन। चलो तीनों इमेज हम यहाँ लगा, जहाँ जहाँ हम इमेज SRC लगाए, इमेज SRC उस सोर्स की जगह भी इमेज लगा देंगे। ये डॉट हटा दे रहे हैं, और हम लिख दे रहे हैं इमेज IM3। इमेज क्लिक किया, कौन सा वाला? 4।
यहाँ पे भी डॉट हटा दीजिए, इमेज क्या फाइल, और यहाँ पे आ जाइए इमेज क्या सेवन। तो इतनी इमेज है, कंट्रोल से सेव करिए और क्या करिए गो लाइव पे। इमेज लग गया कि नहीं लग गया, ऐसी साइट बनती है ना। देखिए हो रहा कि नहीं हो रहा, ऐसे काम कर रहा। सही है बाबू, यार यही लगाना है आपको, लग लग सकता है। तो क्या करेंगे, ये जो इमेज काम काफी इसी को काम नहीं, इसी को कॉपी कर लेना, फिर इसी को पेस्ट कर लेना और इमेज को बदल देना। हाँ रहा है। अरे भाई पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारा नहीं दिया था, अभी पढ़ा जाएगा उसमें। अभी तो नॉर्मल पढ़ रहा है ना, तो इसमें और भी तो था क्या, और नहीं था, विद कंट्रोल के साथ करना है, कंट्रोल के साथ करना है तो अभी बना लिया जाएगा। कंट्रोल को समझ रहे हैं मतलब, तो आप खुद भी चेंज कर पाएंगे यहाँ पे। जैसे जीआईटी वाला खुल रहा है तो कंट्रोल वाला देखो यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। अरे यार ऐसा हो रहा है, सही बात सही बात है। देखिए देख रहा है, फर्क नहीं हो रहा है, वो भी तरीका कंट्रोल भी कर लेंगे, वो तरीका अलग अलग है, बताया जाए। तो कर लिया कि नहीं कर लिया, बस यही करना है। और इसमें देखो उसमें और भी दिया है ना, जैसे दिया आवर कोर्सेज वगैरह, तो यहाँ पर भी लिखा जाएगा यहाँ पे आवर कोर्सेज। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, हमें फिर से बॉक्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा, कोई कंटेनर, वो कंटेनर में हेडिंग बनाएंगे कि आवर प्लेसमेंट और वगैरह वगैरह जो भी। जैसे ये है ना, डिवीजन हो गए, कितने डिवीजन हो गए, 1 2 3 डिवीजन हो गए। इसके जस्ट नीचे क्या करेंगे, एक और डिवीजन डिसाइड करेगा। डिवीजन डिसाइड करने का तरीका क्या बताया था आपको, डॉट रो, डॉट रो इंटर करिए, डिवीजन लग गया, इंटर कर लीजिए, उसका क्या लगाइए, डॉट सी ओ एल सी, इंटर करिए, चलो भाई इंटर कर लीजिए। उसके बाद क्या लगाइए, यहाँ पे H2 लगा लीजिए, और H2 में क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आवर प्लेसमेंट। देखिए अभी लिख के आ जाएगा आवर प्लेसमेंट के लिए, कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पावर प्लेसमेंट लिख किया जाएगा, आ गया। अच्छा और प्लेसमेंट को थोड़ा बीच में ले चलना है तो यहीं पे आ जाइए, और जहाँ प्लेसमेंट लिखे हैं यहीं पे क्लिक करिए, स्पेस करिए, यहाँ क्लास लगा लीजिए, क्लास क्लास में लिख दीजिए टेक्स्ट सेंटर। ठीक है बीच में ना थोड़ा, हाँ तो इधर आया है ना, अब इधर एक और बना लीजिएगा इसी डिवीजन के जस्ट नीचे, एक और बना लीजिए इसी रो के भीतर बना लीजिएगा, फिर से क्या डॉट डॉट सी ओ। अगर 3 हो गया है कितना और ले सकते हैं, 3 ले लिए हैं कितना और ले सकते हैं, 9 और ले सकते हैं, 9 3 12 याद है ना, 12। बारह। और इसमें इंटर कर लीजिए, इसमें क्या रखना है, इसमें बी एस टू लगा लीजिए, एस टू, और एस टू में लगा लीजिए क्या अबाउट, अबाउट इंस्टीट्यूशन। हो गया ना, कंट्रोल से सेव कर लीजिए। देखिए आगे थोड़ा बीच में लाना है, इसको भी क्या करेंगे, वही सेम चीज जो लगाए हैं यहाँ पे क्लास, वही क्या कर लेंगे आप ही तो यहाँ लाके इसको भी कंट्रोल से सेव कर दीजिए। आगे ना इधर अब कंटेंट रखा जाएगा, वो अगली क्लास में बताएंगे आपको, जिसमें कंटेंट रहेगा यहाँ इमेज भी लगाया जाएगा हमको, हाँ इमेज लगाने का तरीका जानते ही आप, इसके लिए मार्क्यू टैग लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा,
मार्क्यू टैग लगा जाएगा, तब इमेज इमेज लगा जाएगा, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी में मान लो अभी लगा देगा क्या, मार्क्यू क्यू यू ओ डी वन, और क्या लगाते हैं, मार्क्यू इमेज लगाते हैं ना, इमेज एस आर सी, और इमेज का नाम इमेज, फोल्डर पर क्लिक करिए और ले जाएगा P1। अब इसको क्या कर लिया जाएगा, बंद कर लीजिए, कंट्रोल से सेव कर लीजिएगा और इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया जाएगा, वो बताऊंगा अगली क्लास में सही से। ठीक है, और इंटर मार दिया हमने, भी इंटर मार दिया भी, और चेंज कर लीजिएगा जहाँ जहाँ P1 है वहाँ क्या कर लीजिए, P2 इंटर, P3 इंटर, कंट्रोल से सेव करिए, देखिएगा अभी इमेज आने लगेगा, इमेज आ रहा है। अच्छा, बहुत बड़ा हो गया है, तो बड़ा हो गया तो क्या करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कर लीजिएगा क्या, वेट, क्या लिख लीजिएगा, वेट, वेट कितनी रख दीजिए, 230 रख दीजिए, कितना रख लीजिए, वेट रख दीजिए 230। और इसी में हाइट भी रख लीजिएगा कितना, हाइट रख लीजिएगा 300। ठीक है, अब बस इसी को क्या कर लिए, कॉपी कर लिए, सब में डाल दीजिए ताकि हाइट और विड्थ क्या हो जाए, बराबर हो सकता है। इसमें स्पेस वी स्पेस और ए, कंट्रोल एस पर दिया, देखिए इमेज छोटा हो गया, छोटा हो गया है। अच्छा, उसके बाद क्या करिए, इमेज छोटा हो गया है, इसका डायरेक्शन चेंज करिए, मार्क्यू में डायरेक्शन लगाते थे याद है ना, हाँ, डायरेक्शन इक्वल टू क्या, बम याद आ रहा है, अब देखिएगा ऊपर आते हुए, देख रहे हैं ना, तीनों एक साथ क्यों हो रहा है, इसका इसकी हाइट रख दीजिएगा, डायरेक्शन इसकी भी, डायरेक्शन अप कर दीजिए और हाइट इसकी भी रख दीजिएगा, हाइट हाइट कितने करेंगे, हाइट रख दीजिए इक्वल टू 500 पिक्सल, कंप्रेसर सेव कर दीजिए, देखिए तो नहीं आ रहा है, हाँ हाँ सब लिखा हुआ है उसपे, अब जानते हो क्यों यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, ये जो भी कंटेंट आपने लिखा है ना, ये कंटेंट सारे रहेंगे आपके, पता रहेगा, हाँ ये सारे कंटेंट रहेंगे आपके ना, इसके भी तरह अबाउट आवर प्लेसमेंट में रहेंगे, यहाँ रहा इसलिए वैसा आ रहा था। ठीक है, अब सही हो जाएगा, अब एक ही करके आ रहा है, नहीं तीनों आ रहा है क्या, चारों आ रहा है क्या, कॉपी कर दिए क्या, कॉपी हो गया, यस अब सही हो जाएगा, और देखिए एक ही करके आ रहा है, आ रहा है, इसे बना देंगे, दिखा देना ना भैया, इसमें लाना क्या है, अभी दिखाएंगे बाद में, क्यों आज क्राउजल का यूज करिए ना, एक बार में बहुत ज्यादा मत सीखिए, क्राउजल का बस यूज करिएगा। ठीक है, ये फिर से बताएंगे आप लोगों को, तो बस तरीका होगा, क्यों प्रदीप समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा, थैंक यू क्लास।